साल के आखिर में तेलंगाना में चुनाव है और सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपना शंखनाद कर दिया है। तेलंगाना के खम्मम में राहुल गांधी ने रैली के दौरान तेलंगाना में अपने चुनाव का बिगुल फूंक दिया। रैली के दौरान राहुल गांधी ने केसीआर पर जमकर निशानेबाजी की, जिस दौरान राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि तेलंगाना के सीएम केसीआर का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के पास है। हालांकि विपक्षी एकता में उनके लिए कोई जगह नहीं है। बीआरएस पार्टी को नया नाम भी दिया, उन्होंने इसे बीजेपी रिश्तेदार समिति के नाम से संबोधित किया। राहुल गांधी ने रैली के दौरान केसीआर पर जमकर निशानेबाजी की। आपको बता दें कि तेलंगाना पहुंचे राहुल गांधी की ये रैली मेगा रैली में तब्दील हो गई। लाखों की भीड़ राहुल गांधी को देखने और सुनने पहुंची थी। जहां तक नजर उठाई जाती है, लोगों का जनसैलाब नजर आ रहा था। वहीं राहुल गांधी ने भी केसीआर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने ये तक कहा कि केसीआर खुद को राजा समझते हैं और तेलंगाना उनका राज्य है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों और मजदूरों को कुचलने का भी आरोप लगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि केसीआर वही करते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं। उनका रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है।